यजीद के ताल्लुक से बहुत से लोग जो है यहां भी बड़ी दयानतदारी से काम नहीं लेते और यहां भी घपला करते हैं और घपला ये करते हैं कि यजीद के ताल्लुक से बहुत से उसको हजरत लगाते हैं, हजरत यजीद कहते हैं और बहुत से लोग रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक कह देते हैं यजीद को माज़ अल्लाह। ये गुलू है, गुलू नहीं बल्कि एक तरीके का सही पूछिए तो इनकी ईमान की कमजोरियां हैं। ईमान वाला तो कम से कम नहीं कह सकता उसको रज़ी अल्लाह ताला ना। बहुत से जन्नती मानते हैं यजीद को और बहुत से यजीद को खलीफा मानते हैं, कहते हैं ओ खलीफा मानने वालों तुम भी सुन लो और रज़ी अल्लाह अन्हु कहने वाले तुम भी सुनो ओ हजरत यजीद कहने वाले तुम भी सुनो, तुम्हारा हजरत होगा यजीद, हम सुन्नियों का हजरत नहीं है। हमारा अल्लाह राजी नहीं है उस यजीद से। पता नहीं तुम किस खुदा की बात करते हो जो उस यजीद से राजी हो। हमारा खुदा तो राजी नहीं है, हुसैन का खुदा तो यजीद से राजी नहीं हो सकता, अली का खुदा, नबी का खुदा, हम सुन्नियों का खुदा, कयामत तक के मुसलमानों का खुदा हरगिज हरगिज यजीद से राजी नहीं हो सकता। ओ झूठो, वो तुम्हारा खुदा शायद कोई और हो, जैसे तुम झूठे हो वैसे ही वो तुम्हारा झूठा खुदा होगा जो यजीद से राजी है। हम सच्चे, हमारा खुदा सच्चा, हमारा खुदा यजीद से राजी नहीं है, ना हम राजी ना हमारा खुदा। तुम्हारा हजरत हो गए यजीद, जिसका हजरत इमाम हुसैन ना हो तो उसका हजरत यजीद ना होगा तो कौन होगा। हमारा आका तो हुसैन है। बहुत से लोग जन्नती कहते हैं कि यजीद जन्नती है, हरगिज जन्नती नहीं, लानती है। हम उसको लानती मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग ये गलत फहमियां पेश की जाती है कि सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात जो है यजीद का दिफा करते हैं। और क्यों दिफा करता है यजीद जन्नती नहीं, हम लानती मानते हैं यजीद को। अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, कयामत तक के मुसलमानों की लानत, वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है, जहन्नम में डाला जाएगा। इसलिए कि डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सही, लेकिन इमाम हुसैन का कातिल है। यहां कोई अगर मगर नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर मगर। हमारा ये मानना, कोई मानता हो तो मानता अगर मगर करके, जो करता है अगर मगर यजीद के मामले में करे। यहां तो क्लियर कट है, स्पष्ट मामला है, जाहिर है, खुला है। मैं खुल के कह रहा हूं कि यजीद को लानती मानते हैं, जहन्नमी मानते हैं। जो अगर मगर करता है वो अगर मगर अपनी पास रखते हैं, डायरेक्ट मानते हैं कोई अगर मगर। इसलिए कि इमाम हुसैन का कत्ल अगर डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट, सब कुछ उसी के कहने पर, उसी के बताने पर, उसी की शय पर, उसी की ताकत पर, उसी की पावर पर हुआ। अगर बादशाह परमिशन ना दे, हुक्म ना दे, तो फौज या सिपाहियों की ताकत है कि किसी के ऊपर जुल्म कर दे। जब बादशाह का ऑर्डर आता है तो फिर सिपाही उस पर अमल कर। गंदा है यजीद, लानती है, बदबख्त है, जहन्नमी है। हमारा जो दिफा करते हैं करते होंगे, यहां कोई खाना नहीं है। जो हजरत कहते होंगे उनका हजरत होगा यजीद। एक जगह लोग मुकाबले पर उतर आए, मैं तकरीर के लिए गया जलसा में। जब जलसा में तकरीर के लिए गया तो चंद लोग इकट्ठा होकर आ गए, बोले आज मुफ्ती साहब से बहस करेंगे इस बात पर कि यजीद जन्नती है कि नहीं। उन्होंने बहस शुरू कर दी, यजीद जन्नती क्यों नहीं है, वो भी तो मुसलमान था। खलीफा तक कह दिया। हमने कहा शैतान की औलादो,
कान खोल के सुनो, जिसका खलीफा यजीद जैसा हो तो उसकी रियायत तुम ही जैसी है। अल्लाह अल्लाह, जिसका खलीफा यजीद जैसा हो तो उसकी रियायत मैंने कहा तुम ही जैसी होगी। बोले ये बताइए यजीद जन्नती क्यों नहीं है, कलमा पढ़ता था, नमाज पढ़ता था। मैंने कहा आप जन्नती मानते हो, हम मानते हैं जन्नती गारंटी के साथ। मैंने अल-अल-अलान सबके सामने कहा, मैंने कहा दो जुमलों में बात खत्म, कोई बहस नहीं, कोई मुनाजरा नहीं, कोई दलील नहीं। बोले दो कौन से जुमले हैं हजरत, ये तो बड़े बड़े मौलवियों से नहीं मानते, बड़े बड़े आए, ये तो बड़े चर्ब जबान है, बहुत बोलते हैं, ये तो बड़े सबूत पेश करते हैं यजीद के मोमिन होने में और उसके जन्नती होने में, नेक होने में, खलीफा होने में। तो मैंने कहा सुनो, दो जुमले बोलता हूं, काम खत्म, खलास। कहने का हजरत बहुत ही अच्छी बात है, दो जुमलों में काम खत्म। मैंने कहा दो में खत्म, तीसरा नहीं। मैंने कहा जो यजीद को जन्नती मानते हाथ उठाए, हाथ उठा दिया जो थे बदअकीदे। मैंने कहा जो यजीद को जहन्नमी मानते उठाओ, उन्होंने उठा दिया जो तो खुश अकीदे। मैंने कहा बस अब जुमला बोल रहा हूं, तुम आमीन कह दो, मैं दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह जो यजीद को जन्नती मानते हैं कयामत के दिन जब हिसाब किताब होगा, जहां तू यजीद को भेजेगा वहां उसके मानने वालों को, उसको जन्नती कह के हाथ उठाने वालों को यजीद के साथ भेज देना, और जो इमाम हुसैन को मानते हैं और इमाम हुसैन को अपना आका मानते हैं उनको मैदान महशर में हिसाब किताब के बाद जब तू भेजेगा तो जहां हुसैन अली का बेटा जाएगा वहां हम गुलामों को भेज देना। सबने आमीन, काम खत्म हो गया। मैंने कहा मेरा कोई झगड़ा नहीं, तुम्हारे नजदीक जन्नती है ना, जोन सी जन्नत में अल्लाह उसे भेजेगा तुम चले जाना। यजीद की जन्नत तुम्हें मुबारक, हुसैन की जन्नत हमें मुबारक। अब क्या मालूम तुम कौन सी यजीद की, जहन्नम को भी जन्नत मुराद ले रहे हो। काम खत्म, जब यजीद जन्नती है तो मैंने कहा दुआ कर दिया ना, या अल्लाह मैदान महशर में जहां तू यजीद को भेजे वहां इनके चाहने वालों को भेज देना, और जहां तू हुसैन को भेजे वहां हम गुलामों को भेज देना। सबने कहा हजरत बात ही खत्म। मैंने कहा अब मैं तो बहस ही नहीं कर रहा ना, तुमसे जन्नती है कि नहीं ये बात खत्म। तुम्हारे नजदीक जन्नती है तो तुम जाओ यजीद के साथ, हमारे नजदीक तो हुसैन जन्नती है तो हमने हुसैन के साथ जाना। अल्लाह हमें हुसैन के साथ जिलाए, हुसैन की मोहब्बत में जिलाए, हुसैन की मोहब्बत में सुलाए, हुसैन की मोहब्बत में उठाए। नरदी अल्लाह वाला ताला हम कह सकते उसके लिए, यजीद के लिए ना हजरत, ना उसे अमीरुल मोमिनीन, ना खलीफतुल मुस्लिमीन, ना जन्नती, जहन्नमी है, लानती। फिर अगर वो जन्नती हो जाएगा तो फिर जहन्नमी कौन होगा। अल्लाह खाली की जो है ये खुराफात लेकर के आते हैं। हमारा मानना जो है मैंने आपके सामने पेश कर दिया, हमारे सुन्नत वल जमात का यकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, हुसैन हक पर है, यजीद जहन्नम। बात खत्म।